मन भरा है तो रो लीजिए, सेहत के लिए जरूरी है ये भी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हेल्थ एंड फिटनेस मंत्रा में, जिसमें हम हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचाते हैं। जो जानकारी आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है, इसीलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, स्वास्थ्य के लिए हंसना जितना लाभदायक माना जाता रहा है, उतना ही रोना भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। रोकर अनेक तरह के रोगों का उपचार किया जा सकता है। प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद में आंसू रोकने से होने वाले रोगों का उल्लेख किया गया है। आंसुओं से निकले जाने वाले विभिन्न प्रकार के रोग जैसे सिर एवं हृदय में पीड़ा, जुकाम, चक्कर आना, गर्दन का अकड़ना दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार आधुनिक चिकित्सा पद्धति में भी रोने को स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना गया है। अमेरिका के एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक के अनुसार, अमेरिका में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां रोकर अपनी आयु में वृद्धि कर लेती हैं, जबकि पुरुष अपने ईगो के कारण रोना नहीं चाहते और अनेक प्रकार के रोगों से घिरे रहते हैं। यदि पुरुष भी मानसिक आघातों से त्रस्त होने पर आंसू बहा दें, तो उनमें रक्तचाप एवं हृदय संबंधित रोगों में कमी आ सकती है। जोर से रोने पर मनुष्य के मस्तिष्क में दबी भावनाओं का तनाव दूर हो जाता है, जिससे काफी राहत महसूस होती है एवं शक्ति की भी अनुभूति होती है। महिलाओं में रोने का गुण होने के कारण पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को दिल के दौरे कम पड़ते हैं। स्त्रियां रोकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लेती हैं। अपने मानसिक तनाव को आंसू द्वारा कम ना कर पाने के कारण पुरुष धमनियों से संबंधित शिकायतों से ग्रस्त रहते हैं। एक चिकित्सक ने आंसू को स्वास्थ्य के लिए आवश्यक मानते हुए कहा है कि रोने पर आंसू के माध्यम से शरीर में एकत्र विषैले रसायन बाहर आ जाते हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने अपने रिसर्च द्वारा ये सिद्ध किया कि आंसू कीटनाशक भी होते हैं। उन्होंने लाखों कीटाणुओं से भरी एक परख नली में एक बूंद आंसू टपकाया और देखा कि बूंद पड़ते ही सभी कीटाणु मर गए। उनके कहने का आशय ये है कि कभी कभी आंसू बहा लेने चाहिए, क्योंकि आंखों के लिए आंसुओं से बेहतर कोई अन्य रोगाणुनाशक उपचार नहीं हो सकता। आंसू आंखों में एकत्र धूल कणों को भी हटाते हैं और बाहरी वातावरण से भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। आंसू के कारण ही आंखें नम रहती हैं। कुछ चिकित्सकों का कहना है कि भावनात्मक आंसू अवसाद, उदासी एवं क्रोध को समाप्त करते हैं। रोने से मन का संपूर्ण मैल धुल जाता है, अतः जब कभी भी किसी कारण से रोना आए तो उसे रोकना नहीं चाहिए, बल्कि खुलकर बाहर आने देना चाहिए, अन्यथा आंखों में रुके हुए आंसू स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल हेल्थ एंड फिटनेस मंत्रा में और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट हेल्थ और फिटनेस से जुड़े वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।